बिहार में संविदा शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा पास करने के लिए उनको 3 बार मौका मिलेगा। यदि 3 बार फेल होते हैं तो उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा 26 फरवरी 2024 को संविदा सरकारी शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है। उससे पहले राज्य के संविदा शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं। इन शिक्षकों की मांग है कि इसके लिए नाम मात्र पात्रता परीक्षा हो, जैसा कि नीतीश कुमार की पूर्ववर्ती सरकार ने वादा किया था। वहीं इस मामले में आरजेडी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पात्रता मानदंड में इस बदलाव के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आरजेडी चाहती है कि संविदा शिक्षकों को उसी तरह नियमित किया जाए जैसा कि नीतीश कुमार ने पूर्ववर्ती महागठबंधन सरकार में रहते हुए किया था। बिहार सरकार के मुताबिक राज्य में संविदा शिक्षकों को राज्य सरकार कर्मचारी बनने के लिए योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उन्हें 1 से 16 फरवरी के बीच परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होगा और इसके लिए एडमिट कार्ड 16 फरवरी को जारी किए जाएंगे। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी शिक्षक बनने के लिए संविदा टीचर्स पहली पात्रता परीक्षा 26 फरवरी 2024 को देंगे। जो इस परीक्षा में फेल होंगे उनको 2 अवसर और दिया जाएगा। पात्रता परीक्षा में फेल हुए शिक्षकों के साथ क्या होना है, इस पर सुझाव के लिए 1 फरवरी को नामित समिति बनाई गई थी। इस समिति में अपर मुख्य सचिव शिक्षा के पाठक, बिहार राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा निदेशक राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक और मध्य शिक्षा निदेशक शामिल हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। फिलहाल बिहार में संविदा शिक्षक लगातार धरने पर हैं। शिक्षा विभाग के इस फैसले पर प्रारंभिक शिक्षक संघ के संयोजक राजू सिंह, नियोजित शिक्षक, ने कहा कि शिक्षक नियोजन नियमावली के अनुसार 60 वर्ष की उम्र तक नियोजित शिक्षकों के नौकरी में बने रहने का प्रावधान है। यह शिक्षक नियोजन नियमावली के विपरीत आदेश है। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। बिहार की सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहे TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।